तो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो कुछ कंसेप्ट है कि बिल्कुल ये जो आप जानते होंगे, बस उसको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग आते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। ओके, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कुछ आप नाम सुने होंगे, ट्रेपजोडल, सिम्पसन, इस टाइप के। ठीक है, जो एक क्वाड्रेचर फॉर्मूला आ रहा था, ये सब वहीं से आ रहा था। ठीक है, तो जस्ट मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो होगा डायरेक्टली फार्मूला से और रिजल्ट बेस्ड करेंगे, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से, मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आप इस टाइप से फाइंड आउट करना सीखेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए आपको कोई एक ऐसे कर्व ले लिया, ठीक है, और मान लो कुछ ए यहाँ पे है और कुछ बी यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं डॉट डॉट लाइन मिला देता हूँ। अच्छा, ये सीधा लाइन है, थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो सकता है, बट आपको समझना है एज यूजुअल। ओके, तो ए हो गया इसका जो, इसके नीचे जो एरिया बन रहा है, इसी के एरिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से। ओके, सिंपली हम लोग यही कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अपना काम कम में ही बन जाएगा। अगर ए मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स है, ये चीज़ इसका एरिया दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे क्या करेंगे, इस इंटरवल को पार्टीशन करके एरिया निकालेंगे, हर एक छोटे छोटे एरिया, जो भी एरिया दिया रहेगा, और उनको फिर जोड़ के पूरे वाले रीजन का निकालेंगे। तो एज्यूम कर लेते, जैसे मैंने इसको यहाँ से, यहाँ तक तो दूसरा कलर ले ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक ले लिया, ये छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है। और इस पॉइंट्स को कुछ नाम दे दे रहा हूँ, मान लो एक्स नॉट दे दिया। अच्छा, शुरू से ही ले ले रहा हूँ एक्स नॉट, ताकि हमें समझने में आसानी होगी। ओके, तो इस ए वन, ए को मान लीजिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एक्स नॉट हो गया, तो ए एक्स वन, ए एक्स टू, ए एक्स थ्री, और ये लास्ट पॉइंट होगा, तो इसको हम लोग एक्स एक्स एन नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स फोर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो अब यहाँ से आप देखिए, या तो पूरा का एरिया निकालिए एक ही बार में, या फिर इसको अगर वन नाम दे दूँ, इसको टू नाम दे दूँ, इसको थ्री नाम दे दूँ, और इसका फोर नाम दे दूँ। ठीक है, इन सब का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, तो भी बात वहीं आएगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट को अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ाते जाएंगे और विजुअल फॉर्म में ही देखते जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हमें करना है। ओके, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक क्लियर होगा जो एरिया निकालने का कंसेप्ट है, ऐसे निकालते हैं। अब जो ट्रेपजोडल रूल है, ये क्या कहता है कि इसको इवेलुएट करने का तरीका बता रहा है, इस चीज को हम लोग, अगर ट्रेपजोडल रूल, एक रूल है जिसको हम लोग ट्रेपजोडल रूल बोल रहे हैं, ट्रेपजोडल रूल। ठीक है, ये कुछ कहता है कि अगर हमें ए से बी फाइंड आउट करना हो, इस मीन्स ए से बी तक इफेक्ट फाइंड आउट करना हो, मतलब एरिया निकालना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बी था ना, ठीक है, ये हमारा बी था और ए था। ओके, तो इसका डिफरेंस ले लीजिए। अच्छा, एक ऐसे समझिए, ये मैंने अगर रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका एरिया क्या होगा, अगर ए ए है और ए बी है, तो ए इंटू बी हो जाएगा। ओके, ए था ना रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, ओके, तो इसको मैं एक सिंपल सा ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ, शायद ग्राफ मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग ग्राफ पे नहीं जाएंगे, फीलिंग्स पे जाएंगे। ए था, ए बी था। अच्छा, अगर ये हमारा फंक्शन एफ है, तो ए जो पॉइंट होगा इसके करस्पोंडिंग ए एफ ए होगा। ओके, और ए जो कुछ होगा, ओके, ए कुछ एफ बी होगा। क्लियर? ओके, एक्चुअली आप ट्रेपजियम का नाम सुने होंगे, ठीक है, नहीं भी सुने हैं तो कोई बात नहीं। तो ट्रेपजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपजियम कुछ मान लो, एक ट्रेपजियम का स्ट्रक्चर है, और इसका मान लो, इसका लेंथ एक्स ले लिया, इसका वाई, इसका जेड ले लो। ठीक है, तो उसका शायद ऐसे होता है क्या, वहाँ हाफ इंटू एक्स होता था शायद, और वाई प्लस जेड। y plus z into x, हाफ इंटू y plus z into।
मतलब ऐसे ही होता था ना, इन दोनों साइड का सम कर लीजिए और हाफ इंटू इस दोनों साइड का सम इंटू ये, यही चीज होता था ना शायद। यस सर। ओके, तो इसी चीज को अब देखिए मैं क्या करता हूँ। यस सर। ओके ठीक है, मैं भूल जाऊंगा तो कहीं रिकॉल कराना, वैसे ऐसे तो होगा नहीं। ये देखिए यहां से मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब एक यहां से ए रीजन ड्रा कर दिया। ओके, फिर यहां से ए ले लिया। ओके, फिर यहां से ए ले लिया, तो ये एक ट्रेपजियम बन गया। ठीक है, इस ट्रेपजियम का एरिया, इधर तो ए एरिया का समझ में आ गया कि ए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, अब इधर से ट्रेपजियम के एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू ए लेंथ कितना होगा बाइजोमेट्री, यहां तक के है तो ये हटा देंगे तो बी माइनस ए बन जाएगा, क्लियर। बी माइनस इंटू अब इस दोनों ए कितना होगा, ए एफ ए था ए एफ बी था, तो दोनों का सम हमने लिया था ना वाई प्लस जेड, यहां पे क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी, क्लियर। तो इसको अगर हम डायरेक्टली लिखें तो हमारा हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ टाइम्स बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा जो एफ ए है प्लस एफ बी, क्लियर। आई थिंक इस फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर किसी को कोई समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, मुझे लगता है सबसे इजी तरीका है, बस हमने थोड़ा सा अब इसको ट्रेप जोडल क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया, क्योंकि हमने क्या किया है ट्रेपजियम के थ्रू अप्रोच लिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें ट्रेपजियम का ये स्ट्रक्चर बना लिया तो यहाँ से हम लोग इजीली विजुअलाइज कर लिए इस चीज को कि हमारा एक सेकेंड थोड़ा सा, एक्चुअली कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाना था तो बस कुछ ही चीज का हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी एक टेस्टिंग टाइप पे है क्योंकि हम लोग बाद में फ्री सर्विस शुरू करने वाले हैं बहुत सारे कोर्सेज का, तो अभी देख रहे हैं सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ वीडियो का रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, यही होता है आपका ट्रेप जोडल रूल। अच्छा, इसमें मैं एक ही पे इतना डिस्कशन करूंगा, बाकी सब पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको समझाना था। अगर ये देखिए कर्व था, ठीक है, कोई भी कर्व ऐसे लीजिएगा और मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ ए पॉइंट ले रहा हूँ तो इनके बीच में लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ न कुछ इरर आ जाएगा, क्या मैंने इतना एरिया छोड़ दिया और इतना एक्स्ट्रा ले लिया। अगर इस केस में देखा जाए तो मैंने ए इतना एरिया एक्स्ट्रा ले लिया है ना, तो इतना एरर हो गया ना हमारे पास और इतना हमने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये चीज एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो अब ये यूम करिए कि मेरे पास कोई ऐसे लाइन दिया हो और इसके थ्रू मैं अगर यहाँ से मैंने ले लिया, अब यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ ट्रिप जोडल रूल के थ्रू एरिया, तो क्या इसका एग्जैक्ट देगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से यहाँ पे तक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसके ऊपर ही पड़ जाएगा, क्लियर। ओके, तो ए इसके ऊपर पड़ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, अब ये जो कर्व था ये एक डिग्री से, अगर इसको हम पॉलीनोमियल बोलें तो ये क्या था, इसकी डिग्री ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू नहीं होगा ग्रेटर देन वन था, अब ए क्या एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है ऐसे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का डिग्री कितना होता है वन होता है, इसको दूसरे वे में हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन कर सकते हैं जो ट्रेप जोडर रूल होता है वो क्या होता है एग्जैक्ट होता है किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके, या फिर एक्यूरेट रिजल्ट देता है किसके लिए, पॉलीनोमियल जिसका डिग्री लेस देन इक्वल टू वन हो, अगर जीरो हुआ तो एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट मैपिंग तो प्लॉट करना आप लोग जानते होंगे, मैं क्विकली दिखा दे रहा हूँ क्योंकि सब में सेम कंसेप्ट है, तो बाकी मैं स्किप करते हुए निकलूंगा, फटाफट आप लोग को ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अब अगर कॉन्स्टेंट की बात करें तो कॉन्स्टेंट मैपिंग ये हो जाएगा, तो इस केस में अगर आपको ट्रेप जुडल रूल लगाना है तो ए हो गया, इनके बीच में लगाओगे और हमारे पास एरिया ए हो गया, अभी ड्रा कर दो हमें इन्हीं का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ओके, ए हो गया जीरो डिग्री का पॉलीनोमियल, अब हम वन डिग्री के पॉलीनोमियल बात करें तो ए वन डिग्री का भी पॉलीनोमियल है, वन डिग्री का ए भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लीजिए हमारे पास ए वाला है, इस केस में हमारा जो हो जाएगा ये चीज हो जाएगा, इनका एरिया निकालना होगा। ठीक है, ये सब एरिया में आपका आ गया। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए इसमें आप जब यहाँ से यहाँ तक का लाइन ड्रॉ करेंगे, ए ब्लैक कलर से देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो इसके ऊपर ही पड़ गया, तो इरर बिल्कुल ही नहीं देगा। तो इस केस में क्या होगा, जब पॉलीनोमियल आपका
एक डिग्री तक, मैक्सिमम एक डिग्री तक क्या देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। और एक डिग्री से जब ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपका कुछ ना कुछ इस टाइप से कर्व होने लगेगा। कर्व होगा तो देखिए इतना एरर बनते जा रहा है, उस केस में आपका एग्जैक्ट नहीं देगा। तो चलिए अब हम लोग फटाफट निकलते हैं। ये हो गया सिंपल ट्रैपजोडा रूल, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से आपको पता चला एग्जैक्ट वन डिग्री के लिए देगा। एक होता है कंपोजिट ट्रैपजोडा रूल। ओके, तो कंपोजिट ट्रैपजोडा रूल का क्या होता है, ए चीज सेम रहेगा। ओके, अब इस बी माइनस इस डिफरेंस को कुछ एच मान लीजिए, तो इसको हम लोग बोल देंगे एच बाई टू। इसको एच रख देंगे तो क्या होगा, एच बटा दो हो जाएगा। ओके, एच बाई टू ए, अगर एक्स नॉट हमने इसको नाम दिया था ना, जैसे यहाँ पे मान लिया हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक्स नॉट प्लस में पाला और लास्ट वाला ले लो। जैसे ए पाला और लास्ट वाला लिया था तो लास्ट वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पे लास्ट एक्शन है तो एक्शन ले लो, प्लस आपको क्या करना है टू टाइम कर देना है अंदर वाला। अंदर वाला क्या, अब एन तो बीच में एक्स वन एक्स टू थ्री है ना, तो मान लो मैंने एक्स वन पे जो है उसको एक्स वन नाम इस टाइप से दे दिया, एक्स टू अभी कहाँ तक जाएगा एन लिया ना, आपको एक कम तक जाना है। ठीक है, इसका समझा दे रहा हूँ मैं, बाकी का नहीं समझाऊंगा क्योंकि कंसेप्ट सबका एक ही है। ठीक है, ये होता है, ये हो गया जब सिंगल, मतलब हमने यहाँ सिंगल ही ब्रेक किया ना। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल वाला था एक कंपोजिट हो गया, मतलब एक से ज्यादा। अभी कैसे हुआ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी में तो ठीक है, सबका कंसेप्ट मेथोडोलॉजी एक ही है। ओके, अब क्या करिए कि इसमें देखिए थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए कुछ चीजें मिटा देता हूँ मैं। ओके, ये हमारे पास रीजन बन गया, तो इसको रीजन वन टू थ्री फोर। अब वन के करस्पॉन्डिंग देखिए, ठीक है, तो वन के करस्पॉन्डिंग आप ट्रैपजोडा रूल लगाइए, तो ये होगा, फिर टू के लिए ए ट्रैपेज़ियम बनेगा, थ्री के लिए ए बनेगा, फोर के लिए ए बनेगा। तो चलिए हम लोग वन पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई टू। ठीक है, इस डिफरेंस को कुछ मान लीजिए छोटा सा हमने जो भी नाम एच वन नाम दे दिया। ठीक है, अब इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो ए भी अगर पूरा लेंथ हमारा एच मानेंगे, चार भाग में डिवाइड करें तो एच बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसको लिख लेना चाह रहा हूँ, जाओ इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि हमने कितना भाग में डिवाइड किया है, एन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पूरा लेंथ हमारा था बी माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक का ये था, अब हमने एन पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसको आप एन नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एक इसका एक लेंथ हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ कहा गया, अब इसको आप एच मान लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो सभी का ए वाला लेंथ एक्स होगा। कहीं भी समझने में दिक्कत होगा तो तुरंत ही अनम्यूट करके पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद इस टाइप की चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, तो ए हो गया एच, तो एक का एरिया मैं निकाल के दिखाता हूं और फिर समझाता हूं कि कैसे चीजें हुआ। ठीक है, अगर हम पहला के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं तो पहला में हो जाएगा हाफ इंटू, एक का लेंथ कितना आया था हमारे पास एच इंटू, अब इसका एरिया निकालिए, तो ए हो जाएगा एफ ए, इसको हम लोग बोल रहे थे एफ एक्स नॉट। ओके, और ए एक्स वन था, तो ए हो गया आपका प्लस एक्स वन। ओके, फिर अब इस दो के करस्पॉन्डिंग आ जाइए, तो दो के करस्पॉन्डिंग फिर से हो जाएगा वही हाफ इंटू एच इंटू, अब यहां से क्या हो जाएगा एफ एक्स वन प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे बनेगा वो एफ एक्स टू बनेगा। ओके, एफ एक्स टू, फिर से अब थ्री के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, तो फिर से वही होगा हाफ इंटू एच, अब यहाँ पे एफ एक्स थ्री के लिए क्या है एक्स टू और एक्स इस पे, तो इसको मान लीजिए मैंने एफ टू नाम ले लिया, इस पे कुछ एफ थ्री। ओके, ये चीज आ गया आपका, मतलब एफ एट एक्स टू एफ एट एक्स, अब एक चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा, सबसे लास्ट मान लीजिए एक्सन है तो एक्स माइनस वन तक चलेगा, इसको लिखेंगे हाफ इंटू एच, अब जस्ट पहले क्या रहा होगा एक्स एन माइनस वन प्लस एफ एक्स एन। ठीक है, ये पूरा निकला, इसको जब हमने पार्टीशन करके किया तो ओके, अब इनको आप जोड़ेंगे तो मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, कंसेप्ट तो आप समझ ही गए थे। हम लोग कंपोजिट पे पहुंच रहे हैं, कैसे कंपोजिट कंसेप्ट है, हर जगह सिमिलर कंसेप्ट है। ओके, आप इजीली बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सब में देखिए वन बाई टू एच वन बाई टू एच वन बाई टू एच कॉमन है,
चलो मैं बाहर ले ले रहा हूँ, 1/2 इसको डायरेक्टली मैं ले ले रहा हूँ, एच बटा दो। ओके अब कॉमन में लिखिए, यहाँ पे एफ एक्स नॉट है, ओके फिर यहाँ पे एफ एक्स वन है और यहाँ पे एफ एक्स वन है, तो दो बार एफ एक्स वन आ गया ना। ओके फिर यहाँ पे एफ एक्स टू है, फिर से यहाँ पे एफ एक्स टू है, फिर से दो बार एफ एक्स टू आ गया। ठीक है अब इस तरह करते करते आप देखेंगे जस्ट पहले तक एफ एक्स एन माइनस वन तक आएगा दो बार, ठीक है, और लास्ट में बचेगा ये आपका अकेला एफ एक्स वन। ओके अब इसको समअप करेंगे तो देखिए यही चीज आया, अब मैं नीचे का मिटा दे रहा हूं। ओके अब यहां पे देखिए ए आ गया h/2 फिर fx0 फिर लास्ट वाला पॉइंट पे, लास्ट वाला पॉइंट पे। अब ये जो टू टाइम्स से देखिए सभी में दो से मल्टीपल है, तो आई थिंक यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं। अच्छा ठीक है यहां तक सबको क्लियर है कंसेप्ट। ओके तो मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, कहीं भी किसी भी स्टेप पे कुछ गड़बड़ लगेगा, नहीं समझ में आएगा कैसे हुआ क्या हुआ, आप लोग पूछ लेना, मैं तुरंत डिस्कस कर दूंगा। ओके एक कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है इसको मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ से दो फॉर्मूला पता चला हमें, एक कंपोजिट, कंपोजिट मतलब जो हमें रीजन दिया हुआ है अगर उसका हम लोग पार्टीशन करें। अच्छा एक रिफाइनमेंट आप लोग सुने होंगे, चलिए खैर वो रियल एनालिसिस में, ठीक है रिफाइन को गोली मारिए, इसका हमें एक इंटरवल दिया था, तो अब इस दोनों का इसी देखिए इसी सेम रीजन पे हम लोग ए से बी इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हम बात करें तो इस केस में ज्यादा एरर आएगा और इस केस में कम एरर आएगा, क्यों, क्योंकि उस केस में अगर हमने लिया था तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हमने ऐसे प्लॉट कर दिया तो इतना एक्स्ट्रा हमने ले लिया, लेकिन जब हमने पार्टीशन किया तो धीरे धीरे देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कितना हम लोग एग्जैक्टली पहुंच रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे ये जो कंपोजिट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन होगा तो वहां पर दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। तो ये हो गया क्विक रिव्यू ऑफ क्विक या डिटेल्स, ही हो गया ट्रेपजोटा रूल। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक है सिम्पसन रूल, ठीक है, तो सिम्पसन में हमें दो चीज पढ़ना है, ट्रैप जोर्डन रूल, सॉरी सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8।